तो दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि फेसबुक प्रोफाइल में आप सब ये वाला जो कलेक्शन करके लिखा हुआ आता है, तो ये स्टोरी को किया जाता है, तो ये आप सब कैसे कर सकते हो, आज की वीडियो में यही बताऊंगा। तो ये कोई दूसरा का प्रोफाइल है, तो उस पर ये मैंने देखा, तो आप सबको बताऊँगा कि ये कैसे आप सब लगा सकते हो। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ये कलेक्शन का जो ये स्टोरी है वो अपने प्रोफाइल पर लगाऊँ, इससे थोड़ा सा प्रोफेशनल प्रोफाइल लगने लगता है। तो मेरे प्रोफाइल पे ये नहीं है, जैसा कि आप सभी को मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं अपना प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ और आप सब देख सकते हो कि मेरे प्रोफाइल पे ये नहीं है। तो अपने प्रोफाइल पे वो कैसे लगा सकते हैं, इसी के बारे में बताऊँगा। तो वीडियो को अंत तक देख लेना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले स्टोरी अपने क्रिएट कर लेना है। ये स्टोरी क्रिएट कर लेने के बाद आप सभी को कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा, होम पेज पे आ जाना है और यहाँ अपना स्टोरी योर स्टोरी पे यहाँ क्लिक करना है, जो स्टोरी आपने क्रिएट किया है। तो उस पर मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से मैं अपना वॉइस जो है वो थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। उसके बाद आपको कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा, तो स्टोरी मैंने लगा दिया और यहाँ से ये आइकॉन जो है, तो मैं यहाँ से अपना कर्सर ले लेता हूँ, यहाँ से कर्सर ले लिया हूँ और यहाँ से ये वाला जो ऑप्शन आप देख सकते हो 3 लाइन के उस साइड में, तो यहाँ इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद आप सभी को कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, एडिट फ्यूचर्ड कलेक्शन का कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा और यहाँ से आपको इस पर सेव पे क्लिक कर लेना है। सेव पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको बैक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से बैक कर लेना है, बैक कर लेने के बाद आप यहां से प्रोफाइल ओपन करना। प्रोफाइल ओपन करके आप सभी को दिखा देता हूं आया या नहीं आया। तो यहां आप देख सकते हो कि वो स्टोरी जो है यहां से ऐड हो चुका है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐड कर सकते हो, जो स्टोरी लगाओगे वो यहां से ऐड कर सकते हो। तो यही बताना था, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और ये चाहते हो डिलीट करना तो यहाँ सिंपल इस पर क्लिक करना है और यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से डिलीट फ्यूचर कलेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है और ये डिलीट भी हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये हट भी गया। तो उस तरह से ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।